2006 में ही जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करी और बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना होता था। उसी में धीरे धीरे हम लोगों ने एक व्यवस्था कर दी कि हर महीने में तीन सोमवार को तय किया उसको, और उसके लिए कितने विभाग अलग अलग दिन होंगे वो तय कर दिया, और उसके बाद वो निरंतर चलता रहा। यानी वो भी कुछ समय लगा, जब शुरू में लोग आने लगे कभी भी किसी विभाग के कोई भी समस्या को लेकर के आ रहे थे तो उसको देखते हुए हम लोगों ने कहा और वो सिलसिला चलता रहा। तो ये जब जो चल रहा था तो हम उसमें फिर एनालाइज करते थे कि आखिर कितने लोगों की शिकायतें आई और किन की शिकायतें जेन्युइन हैं और कितने का समाधान हुआ। ये सब चीज़ को देखते हुए फिर इसी बीच मेरे मन में एक बात आ गई 15 में करीब कि क्यों नहीं हम लोग इसके लिए एक और कानून बनाते और लोगों के शिकायत के निवारण के लिए कानून बनाएं और उसकी एक व्यवस्था करें। तो वही कानून बनाया और फिर लोक शिकायत निवारण अधिकार ये तो इसको करके लोगों को और उसके लिए फिर व्यवस्था करवाया हमने। और जब 16 में इसको लागू किया तो हम हर जगह जाते थे, हम अपनी यात्रा में तो उसको देखते थे और उससे काफ़ी लगता था कि किस प्रकार के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, कौन कौन सी समस्या। तो जो हम लोगों ने शुरू किया था ना जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, तो उसी का जो अनुभव होता था उसके आधार पर कई और भी नियम बनाए। जैसे देखा जाता था कि सबसे ज़्यादा वायलेंस जो हो रहा है उसी में, जिसको हम बार बार बोलते हैं कि जमीन का और आपस में संपत्ति के विवाद के कारण ही सबसे ज़्यादा हो जाता है झगड़ा और उसी में क्राइम होता है, और जमीन का जो विवाद होता था उसको लेकर के कई प्रकार की समस्याएं रहती थी, उसके समाधान का भी प्रयास किया। और फिर नया जानते ही हैं आप लोग कि नया सर्वे का भी, उसके बारे में भी तय किया जो चल ही रहा है अभी। तो हर जगह करते हुए फिर मेरे मन में ये बात आई कि लोगों को ये अधिकार दे दें, और लोगों को जो आना पड़ता है यहाँ पर या जिला में जाना पड़ता है एकदम एक बना दे। तो बना दिया, बहुत अच्छे ढंग से चला। तो और उसको हम देखते भी थे कि वो काम चल रहा है, तो चल तो रहा ही है। और 2 साल तक हम कई जगहों पर गए, लेकिन उसके बाद जो हमने देखा है पिछले 2 वर्षों में कि कई जगह मेरे पास ये बात आने लगी कि भाई आप जो करते थे लोक शिकायत निवारण का इसमें जनता के दरबार में मुख्यमंत्री वाला जो कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम को अगर जारी रखते तो लोगों को और ज़्यादा सुविधा होती, क्योंकि सब लोग नहीं जा पाते हैं लोक शिकायत निवारण का। तो धीरे धीरे ये बात मेरे मन में आई और लगा कि ठीक है अब तो किया है हमने, अब अगली बार फिर मौका मिलेगा तो शुरू कर देंगे। तो यही तय कर दिया और हमने अनाउंस कर दिया कि और जिस तरह से पहले कर रहे थे ठीक उसी तरह से 3 सोमवार हम तो करना चाह रहे थे, और पहले तो कहाँ पर करेंगे, लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से बनवाया गया। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों का अप्रैल में लगभग तैयार हो जा रहा था, और उस समय हम देख रहे थे बार बार आते हो, तो हमने तय कर लिया था कि इसको मई महीना से हम शुरू करें। लेकिन आप जानते हैं कि अप्रैल में ही फिर से दोबारा दौर आ गया कोरोना का, तो उसके चलते संभव नहीं था, हम लोग उसमें लग गए। अब धीरे धीरे वो संख्या घटी तो हम लोगों ने सोच लिया कि भाई अब करना चाहिए। अब जैसे आज देखिए कितनी तरह की समस्या को लेकर के लोग आ रहे हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें तय हैं और फिर भी अब तक उसको क्यों नहीं हुआ, क्यों सफ़र करना पड़ा है। तो एक एक चीज़ को जो देख रहे हैं ना, तो लगा कि ये ठीक है, हम लोगों को इनकी बात सुननी चाहिए। लोक शिकायत निवारण कानून तो है ही, लेकिन इसके साथ ही विभिन्न विभागों से संबंधित कोई बात है, कोई काम क्यों नहीं हुआ, या नई चीज़ों को लेकर के भी लोग आ रहे हैं कि भाई इसमें कुछ करना चाहिए, तो सब सुन रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी चूंकि कोरोना का ही दौर है इसलिए इसको थोड़ा सा किया है हल्का, एक उसमें सिस्टम ऐसा बना दिया। पहले क्या था कि जिसकी जो इच्छा जब जिस दिन उसका समय आता उस दिन आ जाए, लेकिन अभी तो इसलिए कर दिया कि जहाँ भी जो लोग भी
जिस शिकायत को उसके बारे में बता दें, तो वही सब डिस्ट्रिक्ट्स में सब लोगों को ले करके, लोगों का जांच करा करके और वहाँ से लोग ले करके यहाँ भेज रहे हैं और फिर यहाँ से उसको वापस घर तक पहुँचवा देंगे। तो ये सब व्यवस्था किया गया ताकि कोई पॉजिटिव कोरोना का नहीं आए। तो इस तरह से सब सिस्टम करके हम लोग अभी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना का दौर शुरू होगा तो फिर जैसे पहले, चाहे जितने लोगों को आना है, आइए, हजार हजार लोग आते थे। हाँ, तो आते ही थे। नहीं, अभी आप जो देख रहे हैं ना, वो फिर आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर वाला और इन सब चीज़ों में फिर आएंगे काफ़ी। फिर 2 तारीख को होगा अगले महीने, अब इस बार से शुरू कर दिया है हमने। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने आरसीपी सिंह को बधाई नहीं दी फोन करके, उनके मंत्री बनने पर? ये सब बात पर छोड़िए, लेकिन इससे कंट्रोवर्सी हो रही है सब ऐसा कि पहले जो जनता दरबार, पार्टी के कैसे नहीं कह रहे कि बधाई नहीं दी, ये सबको किसको मालूम रहता नहीं, ऐसे ही बोलते रहता हूँ। पहले जो जनता दरबार हुआ, हमारी पार्टी में सबको ये सुने, 2016 में जो जनता दरबार हुआ, आज जो हुआ, तो आपका जो हम लोगों को मालूम ही नहीं, तो बधाई नहीं दी, इसका पता है जी। ऐसे कुछ ले वहाँ दिए, तरह तरह की चर्चा तो है कि आपने नहीं दी बधाई। आज आपको पता नहीं क्यों, सब ऐसी ऐसी चीजों की चर्चा होती है, इसका कुछ तो सब कोई ऐसी बात है। आज जो शिकायत आया आपके पास जो विभाग से आया, और 2016 तो क्या कुछ इतना दिन में जो नेचर है उसका और जिस तरह से है, एक बार परिवर्तन आपने देखा? आपने जो लोक शिकायत निवारण कानून जो बनाया है जी जी जी, वो भी बहुत इफेक्टिव चल रहा है जी, उसको हम देखे हैं। लेकिन फिर भी ये लगा कि सारे लोग शायद नहीं जा पाते हैं जी, और कई तरह की समस्या झेल रहे हैं जी। तो वैसी समस्याओं का जो लोक शिकायत निवारण कानून में प्रावधान है, उसके अलावे भी कुछ बातें होंगी जी जी जी। तो इसलिए जरूरी है जी, इसको देखना भी जरूरी है। वो तो अपनी जगह पर चलेगा जी, वो तो निश्चित रूप से चलेगा, और उसके साथ साथ ये भी करेंगे तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसका और एक्सपेंशन भी करेंगे जी, जी, जी। और लोगों का कुछ शिकायत है जी, तो उसका समाधान हो बेहतर ढंग से जी। और नंबर 2, बहुत लोग सुझाव लेकर के आते हैं जी, जी। तो उनकी बात पर विचार करेंगे तो हम निर्णय लेंगे जी, जी। तो यही है। और आप जान लीजिए, जब नॉर्मल हो जाएगा फिर सारे प्रेस वाले जो आते थे और खुशी होती थी कि लोग खुद भी देखते थे और खुद भी जो शिकायत लेकर के आता था उससे बात करते थे जी, जी, जी। और जो भी हमारे समझ लीजिए विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री, सब लोग जो बात करते थे उसको भी लोग देखते थे जी, तो वही चीज फिर लागू हो जाएगा जी, जी। जैसे ही जरा एक कोरोना वाला दौर खत्म हो जाने जी, जी। वरना एक साथ सब लोगों को फिर भीड़ को बुला लिया जाएगा और वहीं कहीं किन्हीं को कुछ हो जी, तो इस संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा जी, जी। इसलिए अभी तक तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से सुविधा दी गई है कि ऑनलाइन है, देख सकते हैं जी, जी। और यहाँ से भी आप लोग उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिएगा, तो इस तरह से किया गया फिलहाल। लेकिन ये हम सभी पत्रकार बंधुओं से कहेंगे, ऐसा मत मानिएगा कि हम कोई अवॉइड कर रहे हैं जी, ये हमको ये सब में खुशी नहीं होती जी, जी, जी। लेकिन अभी चूंकि कोरोना का दौर है और खतरा बढ़ गया है कि तीसरे नंबर पर फिर हो सकते हैं, तो वैसी स्थिति में जरा लोगों को प्रोटेक्ट करना हम चाहते हैं और कोई बात नहीं है। और लोग आए, अब देख लीजिए आ रहे हैं, जांच तो हो ही रहा, सबको लाया जा रहा है, हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है और फिर इनको वापस पहुंचाया जाएगा। और जब लोगों को लाना पड़ता है दूर दराज के जिलों से, तो उन लोगों के भोजन का इंतजाम, कहीं रात में रखने का इंतजाम, यहाँ से घर पहुँचा देने का सब काम किया जा रहा है, इस सब चीज़ को देखते हुए, ताकि कोई भी आए उसको तकलीफ नहीं। और जब आ रहे हैं तो फिर इसी तरह से लोग लौट जाए, हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट हैं बैठे, और केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरे तौर पर अलर्टनेस से हम लोग एक एक चीज़ को कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो या हर चीज़ के लिए बहुत तेज़ी से। और दूसरी बात है कि सारे लोग तैयार रहे ट्रीटमेंट के लिए, जो भी अस्पताल से लेकर के जो करना पड़ेगा वो एक एक चीज़ के लिए पूरी की पूरी तैयारी है, सब कॉन्शस हैं। और ये जान लीजिए कि हम लोगों के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जितना मजबूती के साथ काम किया जा रहा है, और उसके साथ साथ चाहे जिला प्रशासन हो या अन्य लोग जो इसके साथ इंगेज रहते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। और नियमित तौर पर हम लोग बार बार मीटिंग करते हैं, हर जगह की खबर लेते हैं, और फिर सब अधिकारी एक एक चीज़ की जानकारी लेकर के हम लोगों को भी बताते हैं, हम लोग भी कभी कभी मीटिंग करते हैं।
और अलर्टनेस रखा जा रहा है कि भाई कौन जानता है कि कब हो जाए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये तो एक विचित्र चीज़ है, ये तो नेचुरल है नहीं, आर्टिफिशियल है नहीं, तो कभी देखें इस तरह से कभी कोई बीमारी होती है? ये तो जिस रूप से हो रहा, पहला बार से दूसरा दौर और ज़्यादा खतरनाक, अब तीसरा दौर क्या होगा। अलर्ट तो किया गया ताकि लोगों तो सबके लिए हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट हैं और सजग हैं, देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने जो है तो आप क्या ये महसूस करते हैं कि भारत में ये समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ठोस कानून बनाया जाए या सिर्फ अवेयरनेस से ही काम चलाया जाए, आपका क्या विचार है? एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है जी। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, एक से दो किया, अब दो के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया, और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर प्लस 2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है ये, तो प्रजनन दर को कम करने के लिए बिहार में कितना ज़्यादा है आप जानते हैं। तो देखिए इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू हो। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग रखता खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर का, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो सब पर ही असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए, तो इसमें होगा। और इक्का दुक्का तो होता ही ना है, कभी कभी तो आप देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत पैदा किए हैं, क्या तो इस तरह से तो कई लोग होते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। ये तो नहीं मान करके चलिएगा कि हम तो कोई कानून के बहुत पक्ष में नहीं है, तो कुछ तो कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम आज ये नहीं कोई कह सकता, दावा कर सकता कि हर परिवार में जो हम भूल रहे हैं कि प्रजनन दर, ओवरऑल प्रजनन दर घटेगा, लेकिन ये दावा हम नहीं कर सकते कि हर एक परिवार में कम ही कर लेंगे, लेकिन कुल मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा में कम, तो कुल मिला करके प्रजनन दर घटेगा। तो इसलिए हम लोगों का तो यही राय है, बाकी हमको तो अब अलग अलग राज्य का है, लोगों का अपना अपना सोच है, तो अपने ढंग से करें। लेकिन हमको जो लगता है कि इससे कितना इफेक्टिव हो रहा है, मैंने मैक्सिमम ना बिहार का था प्रजनन दर, तो कितना घटा है और कितना तेजी से घट रहा है, ये साधारण बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बाढ़ की स्थिति कुछ बिगड़ी? बाढ़ की स्थिति के लिए तो एकदम बिल्कुल तैयार है, जान रहे हम लोग 2006 से ही शुरू किया, 7-8 कौन साल में नहीं किया, और इस बार भी जरा सा भी था तो हम जा करके एक एक जगह देख करके हर कलेक्टर को करवा दिया कि देख लीजिए, नीचे से दूर से देखिएगा तो सब बात पता नहीं चलेगा। आप जानते हैं ना कितनी बार सारे DMs को ऊपर से भी हम हेलीकॉप्टर भिजवा करके दिखवा लेते हैं कि कहीं कोई गांव ऐसा न हो जिसकी उपेक्षा हो सके, और पूरे तौर पर। और ये भी जो आपदा प्रबंधन है उसमें भी जो पिछले बार बात हुई थी तो कई जगह ये पता चला कि अफेक्टेड लोग बार बार हमारे यहाँ भेजते थे तो रिपोर्ट उसका करा के कराते थे, तो इस बार भी कह दिया कि कोई अफेक्टेड आदमी छूटना नहीं चाहिए, उनको राहत देनी है, तो इसलिए ये सब हो रहा है। एकदम कॉन्शस है, पूरे तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए हर तरह की सहायता दी। अंतिम सवाल मुख्यमंत्री जी,
दिल्ली हाईकोर्ट का हाल में यह ऑब्जर्वेशन है कि देश में अब समय आ गया है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट लगातार 1985 से कई बार यह कह चुका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि देश में कॉमन सिविल कोड का समय आ गया है। आपको आप क्या कहेंगे? अभी ये बताइए, कॉमन सिविल कोड किस नंबर पर है? 44 की बात हो रही है ना? जी जी, 47 भी देख लीजिए जी, जो हम लोग नशाबंदी लागू किए हैं यहाँ जी, तो इसी तरह से और चीज पर भी ना ध्यान देना चाहिए जी, हर चीज पर तो ध्यान देना चाहिए जी। ये सब चीज तो खैर इस पर हमको कुछ नहीं कहना है जी। जो जो प्रावधान है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है जिसमें कहा है कि इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए, तो सब पर ना ध्यान देना चाहिए भाई, तो वहां से भी होना चाहिए कि पूरे तौर पर बिल्कुल कि बिल्कुल शराबबंदी पूरे देश में हो, ये भी तो होना चाहिए।